गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस एज यू नो दैट इन योर प्रीवियस वीडियो आई वॉज एक्सप्लेन टू यू चैप्टर फर्स्ट एंड आई वॉज एक्सप्लेन इन यू इन द प्रीवियस वीडियो भाषा बोली लिपि व्याकरण साहित्य और मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड किया था एक्सरसाइज भी कम सेंड की थी और आई होप कि सब बच्चों ने कॉपी में पूरा कर लिया है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा चैप्टर अध्याय दो पढ़ेंगे कौन सा अध्याय दो इसका नाम क्या है बच्चों वर्ड वर्ड विचार ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ड क्या होते हैं इनसे हमें क्या क्या पढ़ना है ठीक है चलो शुरू करते हैं बच्चों तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चों वर्ड क्या है ठीक है आप देख पा रहे हो वर्ड क्या है और समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे आप है ना तो क्या है वर्ड बच्चों वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी इकाई है बेटा छोटी तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे वर्ड कहेंगे है हाँ ना आपके पास ऑप्शन में हो आपका क्वेश्चन हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं क्या कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि स्वर या वर्ड या व्यंजन क्या कहेंगे ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर क्या होगा वर्ड ना यस फिर उसके बाद अगर आप वर्ड जानते हैं बच्चों तो हम लोग पढ़ेंगे वर्डमाला वर्ड माला क्या होता है बड़ों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और ये व्यवस्थित समूह है क्या व्यवस्थित समूह किसको कहते हैं व्यवस्थित समूह पता है आपको जैसे छोटा बड़ा छोटी मतलब लाइन से पूरा हमारा कहाँ तक छोटा आ से लेकर ज्ञान ग्या से ज्ञानी और उसके बाद श्वा से श्रमिक पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों वर्ण माला ठीक है आपको वर्ण समझ में आया वर्ड से क्या हो गया वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्णमाला क्या होता है वर्डों के व्यवस्थित समूह को यानी पूरा हम जो लिख दे ड्राइव कर दे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा हो है ना उसके बाद रिस ऋषि एड़ी ए आए ओ अंगाओ आ का मतलब पूरा ये क्या है वर्णमाला माला ठीक है ज्ञातक ठीक है अब बेटा वर्डों को ही हम लोग पढ़ना है आज वर्डों के बारे में तो हमने बताया कि वर्ड क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई ठीक है अब वर्णों के देखो भेद होते हैं वर्ड़ों के क्या होते हैं भेद कितने भेद हैं दो भेद वर्णों के कितने भेद बच्चों दो कौन कौन से एक है स्वर दूसरा क्या है व्यंजन क्या है बच्चों स्वर और व्यंजन ठीक है ठीक है स्वर कितने होते हैं अलेवन फिर आप राइट में देखो व्यंजन भी लिखा है मैंने व्यंजन कितने होते हैं बच्चों थर्टी थ्री मतलब हम लोग पूरा जो हमारा छोटा सा ज्ञान है उसी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब स्वर कितने होते हैं मैंने बता दिया अलेवन कितने होते है? 11. कि हैं अलेवन कहते किसको हैं स्वर इधर देखो अब मैंने आपके सामने लिख दिया है स्वर किसको कहते हैं स्वर होते कितने बेटा अलेवन यानी कि ग्यारह ग्यारह स्वर हो गया आपके पास आप उनमें से देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए आए ओ आओ अंगा याद है ना आपको तो क्या ये पूरे स्वर है नहीं आप क्या करेंगे इसमें से लास्ट में से ये जो अंगा और आहा अंग से अंगूर और आहा से कुछ नहीं इसको हटा दो ये आपके स्वर की कैटेगरी में नहीं आते हैं आप, आप काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन कितने हो गए इलेवन ये इलेवन क्या है बेटा ये इलेवन हमारे स्वर हैं ये इलेवन क्या है बच्चों स्वर अब इसमें से इन्हीं स्वरों को पढ़ना है अब ये देखो ये अंग और आहा जो है ये क्या बताया मैंने ये क्या है ये स्वर नहीं है अगर ये स्वर नहीं है तो ये क्या है बच्चों ये हैं आयोग वाह क्या है ये आयोग वाह तो आप मुझे यहीं पे आंसर दो कि आयोग वाह कितने होते हैं कितने वर्णों को आयोग वाह की कैटेगरी में रखा गया है कितने वर्णों को बेटा बता दो फटाक से दो कितनों को दो और स्वर कितने होते हैं ग्यारह क्लियर ठीक है अब इसी में जो आप ये स्वर देख रहे हो इसी में से कुछ स्वर दीर्घ हैं दीर्घ माने बड़े और कुछ स्वर इसमें से क्या है इसमें से कुछ स्वर लघु हैं यानी लघु माने छोटे लघु स्वर को हृस् स्वर भी कहते हैं वो कौन कौन से हैं अब जो छोटे वाले होंगे वही तो छोटे होंगे यानी स्वर होंगे तो जो जो तो इसमें से छोटा छोटा है वही स्वर है क्योंकि लघु माने छोटा तो वही स्वर हो गया यानी वही स्वर हो गया लघु स्वर का दो नाम है अब छोटा कौन है ये हमारा छोटा आ है ये तो कौन है ये हमारी छोटी ई है ये कौन है हमारा छोटा ऊ है है ना तो उसके बाद छोटा छोटी छोटाऊ के बाद कौन आ जाएगा बेटा अब कोई छोटा बचा ही नहीं दे, क्या हो जाएगा री से ऋषि जिन पर सर्किल किया मैंने वो क्या है आपके स्वर तो हैं सभी लेकिन ये कैसे स्वर हैं लघु स्वर कैसे स्वर हैं लघु देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्या है स्वर कितने हैं अलेवन स्वर के कितने भेद तीन पहला कौन सा है हृस्व स्वर लघु स्वर काउंटिंग कितनी इसकी फोर आपने देखा छोटा आ से आहा तक पूरा क्या है स्वर लेकिन इनमें जो छोटे वाले लेटर्स हैं यानी छोटे वाले जो वर्ड हैं वही क्या हैं लघु हैं कितने हैं वो फोर दूसरा स्वर कौन सा है दीर्घ स्वर एक बात और ये जो लघु स्वर होते हैं इनको बोलने में कम टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में दीर्घ स्वर के जैसे हमने बोला छोटा फिर हमने बोला बड़ा तो छोटा आ को जितने टाइम में बोला है उसके डबल टाइम में बड़ा आ बोलेंगे ऐसे बोलेंगे छोटी फिर बोलेंगे बड़ी छोटी बोलने में जितना टाइम लगेगा उसका दो गुना टाइम इसको बोलने में लगेगा बड़ी को तो क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है कि जिस स्वरों को बोलने में दो गुना समय लगता है उसको हम कौन सा स्वर कहेंगे आप कहेंगे दीर्घ स्वर क्लियर अब दीर्घ स्वर की काउंटिंग कितनी है मैंने आपको ये पूरा छोटा आ से हाँ लिख के हटा दिया आयोग हुआ बता दिया दो हो गए और ये क्या हो गए चार हमारे लघु स्वर अब जो बच रहे हैं इनको मैं लिख रही हूँ ट्राइंगल के अंदर आप ट्राइंगल वाला देखिएगा ये आपके क्या है दीर्घ स्वर और इनकी काउंटिंग खुद ही करेंगे आप और बताएंगे ये क्या है बच्चों ये क्या है बेटा स्वर तो है लेकिन कैसे स्वर हैं दीर्घ स्वर ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर एक एरो कर दे रही हूँ ये क्या है सर्किल सर्किल मीन्स क्या है लघु स्वर ठीक है यानी कि जितने भी चीज़ सर्किल में है वो लघु स्वर वाले हैं फिर मैंने किसी किसी वर्ड को ट्रायंगल में रखा है और जो ट्रायंगल वाले वर्ड हैं वो कैसे हैं दीर्घ फटाक से बता दो बेटा कि कितने कितने स्वर हैं ठीक है बोलो फटाक से लघु स्वर कितने हैं दीर्घ सॉरी लघु स्वर का दूसरा नाम क्या है हर स्वर ठीक है दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं या सॉरी दीर्घ स्वर कितने हैं सात कितने हैं सेवन ठीक है अच्छा लघु स्वर यानी छोटे स्वर छोटे स्वर में आएंगे कौन कौन से वर्ड तो आप जान गए हैं छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और री छोटे वाले वर्ड ही सारे उसमें आ जाएंगे फिर हमारा देखो दो तो हो गया हरसुर हो गया दीर्घ स्वर हो गया तीसरा कौन सा है प्लुत स्वर ठीक है इसको हम ऐसे लिखते हैं ये ये साइन देख रहे हो आप ये हमारा लिखा जाता है ना ओम तो ये सिंबल है ऐसे लिखते हैं हम ओम क्या लिखते हैं बच्चों ओम ऐसा लिखा जाता है ना ओम कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम ऐसे ही सिंबल में लिखते हैं क्या कहते हैं इसको ओम तो बेटा इसको बोलने में इसके कंपैरिजन में इसको दीर्घ स्वर को बोलने में दो गुना समय तो इसको बोलने में थ्री गुना टाइम यानी कि थर्ड टाइम लगता है ठीक है क्या आपको स्वर क्लियर हो पाया बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बताया भाषा किसे कहते हैं भाषा जो है वो सबसे छोटी इकाई है फिर वर्णमाला पूरा जो हमारा छोटा से ज्ञात तक है वो वर्णमाला है इसको हमने दो भागों में कैटेगराइज किया है स्वर और व्यंजन तो स्वर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं छोटा से औ तक से औखली नहीं से औरत तक ठीक है छोटा से से औरत तक टोटल ग्यारह स्वर होते हैं अंग और आहा को आयोगवा की श्रेणी पे रखा गया है फिर इसमें से हमारे कुछ लघु स्वर होते हैं कुछ दीर्घ सर तो लघु सर फोर होते हैं दीर्घ सर सात होते हैं ठीक आयोग वाह कितने होते हैं दो होते हैं आयोग कौन कौन से हैं बेटा तो दो है एक है अंग से अंगूर दूसरा है आहा माने क्या होता है कुछ होता है कुछ नहीं ठीक है तो ये दो हमारे क्या हो गए आयोगवा क्लियर खत्म काम इनका अब प्लूसर पता है प्लूसर जिनको बोलने में तीन गुना टाइम लगता है फिर आते हैं हम कहाँ पे व्यंजन पे ठीक है अब व्यंजन वर्णों को हमने कितने भागों में कैटेगराइज किया है मेनली तो तीन है मेनली तीन है वैसे टोटल मिला देंगे तो फाइव हो जाएंगे ठीक है तो पहले जो हमारी ये स्पर्श व्यंजन है स्पर्श व्यंजन की काउंटिंग कितनी है ट्वेंटी फाइव कितनी है ट्वेंटी फाइव आप ये देखो बुक देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे का से क ख अंगा फिर ठा टाठा ढा अड़ा टाथा दा धा न पाफा मा यारह लावा शा, शा, शा ठीक है इसके बाद क्या आता है छ त्रिंग से ज्ञानी और श्र से श्रमिक तीन वर्ण अभी बचे हैं नहीं चार तो छत से क्षत्रिय क्या से त्रिशूल ज्ञान से ज्ञानी और श्र से श्रमिक ये किसी दूसरे व्यंजन से मिलकर बने होते हैं इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन इसमें आएंगे ठीक है स्पर्श व्यंजन केवल कहाँ तक का से लेकर बेटा तक स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक का से तक स्पर्श व्यंजन को कहाँ से कहाँ तक रखेंगे ये आएंगे क ख ग डैश डैश पूरा कहाँ तक तक ठीक है इसको आप जब काउंट करोगे बेटा तो इसमें दो वर्ड और आते हैं डा और अंगा और डा से ढकनी है ना इन दोनों को भी इसी में रखा जाता है और ये टोटल कितने होते हैं ट्वेंटी फाइव ठीक फिर आता है हमारा अंतहास्था व्यंजन है ना अब पूछेगा आपसे अंतहास्था व्यंजन अंतहास्था व्यंजन कितने होते हैं तो आपने देखा कितने होते हैं फोर अब ये फोर कौन कौन से हैं तो वो बेटे हमारे होते हैं या रा ला वा ठीक है ऊष्म व्यंजन नाम से देखो बीच में आ रहा है शाह तो ये चार यहाँ पे हमारे होते हैं श शा ठीक है ये चार कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन हमारे श शा, श शा, सपेरा छूट गया श श शा सा, सा, हा। ये चार हमारे कौन से ये हमारे होते हैं व्यंजन ठीक है अभी बेटा ऊष्म व्यंजन को हम कैटेगराइज करते हैं तो दो व्यंजन और बनते हैं एक होता है संयुक्त और दूसरा होता है द्वित जिसमें से आप देख रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन चार होते हैं है ना कितने होते हैं बेटा चार संयुक्त व्यंजन की अकाउंटिंग कितनी है चार तो ये होता है छ से त्रिशूल और ग्यारसे ज्ञानी और छे श्रमिक ठीक है इनको संयुक्त क्यों कहते हैं क्योंकि किसी से मिल के बने होते हैं मिल के बने होते हैं तो किससे मिल के बने होते हैं ये छा जो है मिल के बना होता है का और शाशे ठीक है क्या बन गया छा पूछा जाता है बेटा किससे मिल के कौन बनता है त्रा किससे मिल के बनेगा देखो अपने नाम में एक क्लियर है त्रा ता और रा याद है आपको किससे मिल के बनेगा ता और रा त्रा से त्रिशूल हो गया ठीक है फिर क्या हो जाएगा ग्या से ज्ञानी ये बेटा दो वर्णों से मिल बनता है कौन से दो वर्ण हैं इसमें ज और इया और फिर इ से श्रमिक तो ये तो भैया अपने नाम में क्लियर है श्वा से श्रमिक यानी शाह और रा ठीक है शाह और रा मिलके क्या बन जाएंगे श्रमिक ठीक अब ये देखो मैं नीचे लगा रही हूँ हलन इसका मतलब क्या है कि ये पूरे नहीं हैं आधे हैं तो पूरे कब होते हैं जब यहाँ से आधा यहाँ से आधा मिलकर यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं पूरे ठीक है अब बताओ बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं चार संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं चार कौन कौन से और छमिक क्या हो गया ये संयुक्त व्यंजन व्यंजन द्वित दूसरा व्यंजन कौन सा होता है द्वित व्यंजन ये क्या है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में वो क्या होते हैं सेम सेम लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे द्वित व्यंजन कहते हैं ठीक है अभी देखो आप देखो जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं ठीक है जैसे देखो ये आधा और ये दोनों सेम से मिल रहे हैं ना आ ये आधा का क्यों क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है तो मिल के क्या बन गया क यानी कि पक्का और धक्का ये देखो आधा ला पूरा ला मिल के क्या बन गया दिल्ली और बिल्ली तो ये कैसे व्यंजन थे द्वित व्यंजन क्यों क्योंकि द्वित माने क्या होता है द्वित माने क्या होता है दो तो जब दोनों मिल गए तो द्वित व्यंजन हो गया ठीक है अभी यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है रा के विभिन्न रूप है ना रा को हम लोग बेटा बहुत तरीके से लिखते हैं लिखते हैं कि नहीं आपने देखा होगा एक रा देखो यहाँ पे कहाँ ऊपर लगने वाला रा ये कहाँ लगा है ऊपर ये कहाँ लगा है नीचे है ना और देखो आप रा की एक छोटा रा पे लगने वाली मात्रा होती है एक यहाँ लगती है और एक यहाँ तो छोटा ऊ के रूप में और एक बड़ा ऊ के रूप में लगती है ना तो तीन तरीके से हम लोग रा की मात्रा को प्रयोग करते हैं ठीक एक कम जब व्यंजन के बाद कोई वर्ण आए तो रेफ के रूप में इसको क्या बोलेंगे जो ऊपर लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा रेफ के रूप में लगाते हैं ठीक है फिर रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन यानी जिसमें स्वर ना आया है देखो पा अप्पा हमारा स्वर है कि व्यंजन पा क्या है व्यंजन है तो इसलिए इसको नीचे लगाया ठीक है टा देखो टा टा स्वर है कि व्यंजन तो स्वर है तो नीचे लगा ठीक है इस तरीके से हमारे क्या होते हैं के रूप होते हैं फिर वर्णों का उच्चारण उच्चारण इसके बेटा कंठ मूर्ध अब कंठ में हमारे कावर्ग कावर्ग का वर्ग आएंगे का वर्ग का मतलब जैसे क ख अंगा है ना आप देखो यहाँ पे ये देखो ये ये देखो पूरा इसमें लिखा हुआ है ना ये क्या है बेटा ये है आपका का वर्ग क्या है ये का वर्ग पूरी का वाली जितनी लाइन है क्या का वर्ग चा वाली लाइन को आप कहेंगे चा वर्ग वाली लाइन को वर्ग ता वाली लाइन को वर्ग पा वाली लाइन वर्ग यही आपके क्या हो गए पांच वर्ग हो गए का वर्ग वर्ग ता वर्ग और पावर यही यहाँ से देखो का च टा ता, ता, पा आगे वाली लाइन को भी याद रहेगा ना ये आपके वर्ग हो गए ठीक है नीचे जो लिखा वो आपका अंतरस्था और सबसे नीचे ओष्म ये आपके व्यंजन हो गए ठीक है क्लियर हो गया होगा फिर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सांस लेने के आधार पर व्यंजन के भी दो टाइप होते हैं एक होता है अल्प प्राण दूसरा होता है महाप्राण अल्प प्राण क्या होता है बेटा देखो जब आप ये देख रहे हो ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग वर्ग कितने वर्ग है इसमें पाँच कैसे देखो एक दो तीन चार पाँच ये पाँच लाइन है पाँच कॉलम है ये पाँच वर्ग हो गया अब इधर से देखोगे तो ये प्रथम वर्ग ये कौन सा वर्ग द्वितीय वर्ग ये कौन सा वर्ग तृतीय और ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ग कितने वर्ग हो गए पंचम वर्ग यानी कि पांच वर्ग हो गए ठीक है अब अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है अल्प प्राण मतलब ये पहली वाला वर्ग तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग यानि एक छोड़ के ठीक है तो पहला तीसरा और पांचवा हर कैटेगरी के जो तो पहले हर वर्ग के यानी का वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग यानी क ग और अंगा खा वर्ग का भी यानी च ज और इया ऐसे सभी में यानी पहले वर्ग तीसरे वर्ग और पाँचवें वर्ग इनको हम किस में रखेंगे अल्प प्राण में अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ क ख इसमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ग है तो आप क्या कहेंगे का है क्योंकि वो पहले वर्ग में है है ना ऐसे फिर उसके बाद ये तो खत्म महाप्राण महाप्राण क्या होता है जो हमारे दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग के लोग रहेंगे दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग के लोग नहीं बेटा वर्ण दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग के वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे महाप्राण कहेंगे ठीक है तो ये आपका खत्म हो गया फिर यहाँ पे क्या है वर्ण विच्छेद इसमें क्या है? करते हैं हम लोग वर्णों का विच्छेद करते हैं जैसे वीरता है ना तो वीरता में पहले कौन सा वर्ड आया वाह आया कि ई वीरता में पहले कौन सा वर्ड आया वाह कि ई आप कहेंगे वाह तो ये वाह आ गया है ना व प्लस ई प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस आ क्या हो गया बच्चों वीरता है ना ऐसे गुलाब है है इसको हमने तोड़ दिया तो क्या हो गया गुलाब यानी किसी भी चीज़ को उसके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही बच्चों क्या है वही उसका वर्डों का विच्छेद है ठीक है अब देखो आप क्वेश्चन आंसर्स देख लो यहाँ पे जैसे ठीक है क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या किया जाएगा बेटा सेंड कर दिया जाएगा ठीक है आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिया जाएगा एक्सरसाइज भी सेंड कर दी जाएगी आप कॉपी में कंप्लीट कर लेना ओके बाय बाय क्लास हैव अ गुड डे